अस्पताल का औचक निरीक्षण करने के लिए ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा पहुंचे, जहां उन्होंने कोविड की तीसरी लहर को किए गए इंतजामों का जायजा लिया। मथुरा के जिला अस्पताल पहुंचे ऊर्जा मंत्री कोरोना की तीसरी लहर के लिए किए जा रहे इंतजामों का निरीक्षण किया और भर्ती मरीजों से हालचाल भी जाना। गौरतलब है कि प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा दो हफ्ते के बाद जिला अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचे। बीते एक सप्ताह पूर्व मथुरा सांसद हेमा मालिनी ने भी जिला अस्पताल का निरीक्षण किया था। बताते चले, कोरोना की तीसरी लहर की अत्यधिक आशंका जताई जा रही है, जिसके चलते सरकार के द्वारा इसकी रोकथाम के लिए भरकस प्रयास किए जा रहे हैं। दूसरी कोरोना की लहर ने जनमानस को झकझोर कर रख दिया था। अब इसी के मद्देनजर तीसरी लहर के आने की वैज्ञानिकों के द्वारा आशंका जताई जा रही है। इस कोरोना की लहर से निपटने के लिए सरकार ने जगह जगह पर्याप्त इंतजाम किए। इसी के चलते मथुरा के जिला अस्पताल में कोरोना की तीसरी लहर से मुकाबला करने के लिए सरकार के द्वारा किए जा रहे इंतजामों का ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने बारीकी से निरीक्षण किया। यही नहीं, उन्होंने भर्ती मरीजों का हालचाल भी जाना एवं जिला चिकित्सालय में और अधिक बेहतर सुविधा मरीजों को उपचार कराई जा सके इसके लिए सीएमओ डॉक्टर रचना गुप्ता, सीएमएस मुगल बंसल एवं चिकित्सकों सहित आला अधिकारियों से विचार विमर्श किया। जिला अस्पताल में बनाए जा रहे ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण करते हुए जल्द ही शुरू करने के आदेश दिए। लोगों से अपील की है कि आने वाली कोरोना की तीसरी लहर से हम सबको डटकर मुकाबला करना है, जिसके लिए आप सभी का सहयोग जरूरी है। एहतियात के तौर पर सावधानी बरतें, कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, जिसके लिए नियमों का पालन करते हुए अपने आप को सुरक्षित रखें। श्रीकांत शर्मा ने कहा कि मेरा मानना है आने वाली तीसरी लहर से हम सभी डटकर मुकाबला करने के लिए तैयार हैं, बशर्ते सभी के सहयोग से इस विषय में निरीक्षण करने आए ऊर्जा मंत्री ने जानकारी दी। टाइम्सलर सिंह, मथुरा, समाचार 24। कोविड को लेकर जो पहली कोविड की लहर थी, थोड़ा सा पीछे करवा, उसको हम लोग जनता के सहयोग से उस कोविड की पहली लहर को परास्त करने में हम लोग सफल रहे। दूसरी लहर बहुत खतरनाक लहर थी और बड़ी संख्या में हमने अपने लोगों को खोया है। और तीसरी लहर की भी विशेषज्ञ आशंका व्यक्त कर रहे हैं, आने वाले समय में तीसरी लहर को हम पूरी तरह से कुचलें, कोविड को परास्त करें। उसके लिए एक तरफ हमारा आचार व्यवहार, दूसरी तरफ मेडिकल फैसिलिटी पर बहुत ज़्यादा निर्भर करेगा। तो मेडिकल फैसिलिटी पर हम लोग बहुत विस्तार से काम कर रहे हैं। मथुरा ऑक्सीजन की आपूर्ति को लेकर पूरी तरह से आत्मनिर्भर है। अभी आपने देखा यहाँ जिला चिकित्सालय में 667 लीटर प्रति मिनट का ये प्लांट है और यहाँ पर जो कोविड टेस्टिंग लैब है उसकी क्षमता वृद्धि भी हम लोगों ने कराई है। पहले जहाँ 350 ही सिर्फ सैंपल टेस्ट हो सकते थे, आज 1000 से 1200 तक टेस्टिंग की व्यवस्था हमारी उस लैब में रहेगी। लेकिन हम सब मिलकर अपने आचार व्यवहार से कोरोना को परास्त करें, ये बहुत आवश्यक है। उसके लिए कोविड की जो गाइडलाइंस हैं उनका अनुपालन हम लोग करें, मास्क लगा के रखें, हाथ लगातार धोते रहें, उचित दूरी रखें, दो गज की दूरी का अनुपालन करें, ये बहुत ज़रूरी है। कोविड हमारे घर तक ना पहुँचे, इसके लिए हमें भी अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। तो हम सब मिलकर, या तो सरकार की बात है, सरकार पूरी व्यवस्था कर रही है, कोविड की ये जो तीसरी लहर को लेकर कोई दिक्कत किसी को ना आए, बेड की व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं, ऑक्सीजन की व्यवस्था हम लोग कर चुके हैं। लेकिन हम सब अपने आचार व्यवहार से कोविड को परास्त करें, ऐसी आप सब लोगों से अपील है।